मैं मानता हूं ये मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वयं एक्सेलेंसी मिनिस्टर भी यहां मौजूद है। मेरी ये सऊदी अरेबिया की पहली विजिट है और भारत के प्रधानमंत्री की परंपरा में मैं चौथा प्रधानमंत्री हूं जिसे आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। भारत का और सऊदी अरेबिया का संबंध सदियों से पुराना है और बड़ा गहरा संबंध रहा है और मैंने तो हमेशा हिज मैजेस्टी किंग सलमान से मिला हूं तो एक बात वो मुझे हमेशा याद कराते हैं कि देखो मोदी जी, मुझे तो एक इंडियन टीचर ने पढ़ाया है और बड़े गर्व से इस बात का उल्लेख करते हैं। तो ये बात बताता है कि हम लोगों का संबंध कितना गहरा है, कितना महत्वपूर्ण है। आज विश्व जिस प्रकार से आर्थिक संकट से गुजर रहा है उस स्थिति में भारत एक आशा की किरण है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, सबने कहा है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई इकोनॉमी है तो हिंदुस्तान की है। भारत के पास तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका लाभ आज दुनिया के सभी देशों को आकर्षित करता है। एक तो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, 800 मिलियन 45 से कम आयु के हमारे पास नौजवान हैं, स्किल है, टेक्नोलॉजी से भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है डिमांड। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। और तीसरी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, परफेक्ट जुडिशियल सिस्टम जो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत जरूरी होती है। तो ये तीनों ताकतें हैं और पिछले कम समय में, मुझे अभी तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% ग्रोथ है। हमने कई पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करने में बल दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में बल दे रहे हैं और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कई पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं। कुछ बातों का जिसको आपने जिक्र किया मैं उसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया हेल्थ सेक्टर का। मैं समझता हूं कि सचमुच में हम दोनों देशों ने करने जैसा काम है। आज हेल्थ सेक्टर जितना ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ है उससे ज्यादा टेक्निकल रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रीटमेंट ये करीब करीब अब एक प्रकार से डॉक्टर को टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है। भारत में मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए बहुत संभावनाएं हैं और हम अगर दुनिया को लो कॉस्ट मेडिकल डिवाइस सप्लाई करते हैं तो सारी दुनिया में उसकी मांग है। मैं आपको निमंत्रित करता हूं और भारत ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेडिकल डिवाइस में ओपन अप कर दिया है। दूसरा है भारत का हेल्थ सेक्टर में बहुत एक प्रकार से चीपेस्ट मैं कह सकता हूं हेल्थ सेक्टर हमारा,
यहां से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग उपचार के लिए भारत आते हैं। इवन दुनिया के गरीब देशों से भी ट्रीटमेंट के लिए वो भारत आना पसंद करते हैं, क्योंकि काफी सस्ता है। हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने की मैं समझता हूं आवश्यकता है। हम दोनों देश मिलकर के इसको कर सकते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है होलिस्टिक हेल्थ केयर का। लोग आज फार्मास्यूटिकल से उब चुके हैं, लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जाना चाहते हैं। आयुर्वेद हो, यूनानी हो, टिबेटियन हो, यानी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं। भारत के पास सदियों का एक्सपीरियंस है, अगर उसमें हम मिलकर के कुछ करें, मैं समझता हूं कि हेल्थ सेक्टर में हम बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। भारत से बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेंड नर्सिस सभी गल्फ के देशों में हैं, आपके यहाँ भी हैं। वेल ट्रेंड मैन पावर इस क्षेत्र में हम प्रोवाइड करते हैं, आगे भी हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आप साहब ने जैसे फरमाया, जॉइंट वेंचर के लिए पूरी संभावनाएं हैं। इन दिनों हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की व्यवस्था की है, उसमें भी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्षेत्र में भारत को बहुत खुशी होगी साथ में मिलकर के काम करने के लिए। हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक सीमित रहे, मैं समझता हूँ अब वो कल की बात हो गई। हमने बहुत कर लिया, अब हमने थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। हम सिर्फ बेचनार और खरीदनार बने रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो प्रगति के लिए रुकावट बन जाएगा। और उसके लिए हम जैसे भारत को बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। आपको बहुत बड़ी मात्रा में फूड रिक्वायरमेंट्स है, दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंड से बनाया जा सकता है। अगर भारत में सस्ता फर्टिलाइजर मिलेगा तो सस्ता उत्पादन होगा, तो सस्ता एग्रीकल्चर आपको प्रोवाइड होगा, यानी एक विन विन सिचुएशन है। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज की चेन, वेयर हाउसिंग की चेन, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट होता है तो भारत से क्वालिटी फूड जो हम यहाँ मंगवाते हैं उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि फर्टिलाइजर हो, कोल्ड चेन हो, वेयर हाउसिंग हो, ये चीज़ें ऐसी हैं जो सचमुच में आपकी रिक्वायरमेंट और हमारी कैपेबिलिटी, इस दोनों को जोड़ करके हम एक नया क्षेत्र खोल सकते हैं। और मैं इसके लिए आपको निमंत्रण देता हूँ। कल मैं है L&T में और RTCS सब जगह पे गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भारत की कंपनियाँ और यहाँ के नौजवान कितना एकदम से हार्मनी के साथ काम कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक सुनहरे भविष्य की उसमें निशानी है। कोमल जी ने काफ़ी विषय बड़े अग्रेसिवली रखे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इन दिनों वो दुनिया बदल चुकी है। पुराने एक्सपीरियंस आपके सही होंगे, आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 12 पॉइंट अपग्रेड किया बहुत सालों के बाद इतने कम समय में। और मैं मानता हूँ नेक्स्ट रिव्यू आएगा वो तो और हमें ऊपर ले जाएगा, क्योंकि हमने कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। आपको GST की चिंता है, आप GST की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, GST होके रहेगा। मैं समय सीमा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो होके रहेगा, हमारा कमिटमेंट है और वो होने वाला है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ये भी बीते हुए कल की बात है, हमने पार्लियामेंट में बार बार इसको दोहराया है, मैं आज आपके बीच में दोहरा रहा हूँ। पुरानी सरकार के समय की दो घटनाएं हैं, लेकिन वो सब जुडिस मैटर है, इसमें मैं उसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऑफकोर्स इट इज विद द ट्रिब्यूनल, और मैं समझता हूँ कि एक में तो काफ़ी पॉजिटिव डिसीजन हो चुका है। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ये भारत में बीते हुए कल की बात हो चुकी है, आने वाले दिनों में वो संभव ही नहीं होगा।
नॉट ओनली दैट, मैं ये मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में और भारत जिस प्रकार से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, टैक्सेशन सिस्टम प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। आज से 10 साल के बाद भी किसी को आना है तो उसको पता होना चाहिए कि भारत की टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, और इसलिए मैं एक लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबल टैक्स सिस्टम का पक्षकार रहा हूं और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आने वाले दिनों में मैं नहीं मानता हूं कि इसके कारण कोई समस्या होगी। इन्वर्टेड ड्यूटी की जो समस्या है उसको ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। इस बार बजट में आपने देखा होगा कई हमने इनिशिएटिव लिए हैं, और फिर भी कहीं एक आध कोई चीज छूट गई होगी तो मैं खुद उसको देखूंगा और मैं इसका सॉल्यूशन करूँ। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की चिंता आपने व्यक्त की है, हमने एक बहुत बड़ा मेजर इनिशिएटिव लिया है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक में स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक रहता है। एनपीए का एक बड़ा कारण हमारे स्टेट गवर्नमेंट की एनर्जी सेक्टर की प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि पॉलिटिकल कारणों से वो बिजली के दाम बढ़ा नहीं पाते थे और बिजली उत्पादन का खर्चा बढ़ता चला जा रहा था तो उसके कारण घाटे में चलते थे। अब हमने बैंकों के स्टेट गवर्नमेंट एंड भारत सरकार के बीच एमओयू करके इस सारे एनपीए से बैंकों को बाहर निकाल दिया है। अब प्राइवेट कंपनियों पर हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हमने बहुत तेजी बढ़ाई है, इसलिए एनपीए विल नॉट बी द इश्यू इन ए वेरी नियर फ्यूचर। उसको हम भारत में बहुत सारी विदेशी बैंक काम कर रही हैं, आने वाले दिनों में उस पर हम जो भी आवश्यकता होगी उसको हम करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर और उसमें हमने काफ़ी काम किया है, हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर हम काम। पेट्रोलियम सेक्टर के संबंध में मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, इस बार बजट में भारत ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ा इनिशिएटिव। अब वो इनिशिएटिव ये है कि हमारे यहाँ हाई टेम्परेचर डीप सी जहाँ ऑफशोर हमारा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए उसको ओपन अप किया और मार्केट ड्रिवन रेवेन्यू शेयरिंग से होगा, प्रॉफिट को लेकर के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी नहीं होंगे। मोस्ट ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दी है। मैं चाहूँगा कि आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, आप आइए और भारत के एनर्जी सेक्टर में आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पार्टनर बन सकते हैं। उसी प्रकार से एनर्जी सेक्टर में भारत ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। जब मैं कहता था दुनिया को पहली बार जब मुझे सुना तो आश्चर्य हुआ, लेकिन हमने एक साल में 5,500 मेगावाट ऑलरेडी अचीव कर लिया है एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि विद इन टाइम पीरियड हम ये करेंगे। अब मुझे सोलार इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए, सोलार पावर जनरेशन में तो उसका एक आउटपुट होगा, लेकिन सोलार इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम पार्टनरशिप कर सकते हैं और हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एंड एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा एक विद इन शॉर्ट टाइम हम करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं, फिर उसमें विंड पावर हो सकता है। उसमें एक हमारे यहाँ थोड़ा रिसर्च हुआ है, वो मैं मानता हूँ कभी हमारे इन देशों में भी काम आ सकता है कि आप विंड टर्बाइन के साथ हवा में से ह्यूमिडिटी पकड़ करके वो बिजली भी देता है, और एक विंड टर्बाइन 10,000 लीटर स्वीट ड्रिंकिंग वाटर भी दे सकता है। ये न्यू इनोवेशन को अगर हम बढ़ावा देंगे तो मैं समझा हमारे यहाँ जैसे जहाँ पानी की किल्लत रहती है, एक बहुत बड़ा नया इनोवेशन काम कर सकता है। तो हम इनोवेशन को भी बहुत बड़ा बल देते हैं। हमने यूरिया को नीम कोटिंग किया है जो हमारे यहाँ किसानों को भी लाभ करता है, क्योंकि उसके कारण उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, और नीम कोटिंग के द्वारा उसका जो मिसयूज होता था वो भी बंद हो जाएगा, और हम यूरिया जो इम्पोर्ट करते हैं उसको भी हमने नीम कोटिंग का प्रबंध कर दिया है। आज भारत में 100% नीम कोटिंग यूरिया एक हमने उसको आगे बढ़ाया है। जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, आपके पास तो सोना है, मेरे पास तो सोना नहीं है, लेकिन मेरे पास ब्लैक सोना है,
हम दुनिया के तीसरे कोल रिजर्व करने वाले कंट्री हैं, लेकिन जिस प्रकार से ग्लोबल एनवायरनमेंट की चिंता है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, तो फॉसिल फ्यूल ये हम कितना उपयोग कर पाएंगे कह नहीं सकता। लेकिन आप माइनिंग के सेक्टर में जो लोग हैं, हम अंडरग्राउंड माइनिंग में जाना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं, हम कोल गैसिफिकेशन करना चाहते हैं, कोल माइनिंग के बजाय कोल गैसिफिकेशन, ताकि हम क्लीन एनर्जी सप्लाई कर सकें। मैं समझता हूं कि आपकी कंपनियां इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकती हैं और भारत में स्काई द लिमिट और लॉन्ग टर्म 100-200 ईयर्स तक एक चलने वाला काम है। अगर उसमें आप लोग आगे आते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो मैं समझता हूं कि काफ़ी काम हो जाएगा। आप तो हमारे साथ वेल्सपन के साथ शायद एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं और हमने उसमें काफ़ी किया है। तो एक प्रकार से जिन जिन विषयों को आपने स्पर्श किया है, मैंने उन विषयों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बहुत बल दे रहे हैं। रेलवे को हमने 100% ओपन अप कर दिया है। आज भारत का रेलवे दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है। मैं उसको भी डबल करना चाहता हूँ, वन कैन इमेजिन। मैं उसको अपग्रेड करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 50 शहर ऐसे हैं जहाँ हम मेट्रो करना चाहते हैं। हमारे यहाँ 50 मिलियन लो कॉस्ट एफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा मेरा काम है। 50 मिलियन यानी एक प्रकार से मुझे हर वर्ष एक नया सऊदी अरेबिया मेरे देश में बनाना पड़ेगा। इतना बड़ी मात्रा में मुझे हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है। हर गरीब को मैं अपना घर देना चाहता हूँ। तो एफोर्डेबल 50 मिलियन हाउसिंग, वन कैन इमेजिन कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट का स्कोप है, कितना बड़ा जॉब क्रिएशन का, और उसके कारण सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी चीजों की आवश्यकता होगी। तो एक बहुत बड़ा काम है। एक और क्षेत्र है, भारत बहुत बड़ा दुनिया का, जिस प्रकार से हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है एनर्जी सेक्टर में, पर्टिकुलरली आप लोगों के साथ ऑयल का, पेट्रोलियम का, लेकिन हमारा दूसरा बड़ा हमारा जो बिल है इंपोर्ट का वो है डिफेंस सेक्टर का। आज डिफेंस की हर चीज हम बाहर से लाते हैं, क्यों न हम भारत में अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाएं? आपका इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और भारत स्वयं में एक बहुत बड़ा बायर है। जो भी वहां मैन्युफैक्चर होगा, भारत एक बहुत बड़ा बायर है। भारत के पास टैलेंट है, वो दुनिया को नई चीज दे सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, आज पूरा विश्व दो चीजों से कांप रहा है। एक है आतंकवाद और उससे भी भयंकर जो आज पता नहीं है लेकिन हो सकता है वो है साइबर टेरर। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। भारत के पास प्रोफेशनल्स लोग हैं, टैलेंट है, साइबर सिक्योरिटी के संबंध में नए इनोवेशंस की आवश्यकता है और वो चीजें ऐसी हैं, साइबर सिक्योरिटी का हर इनोवेशन उसकी उम्र 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं होती है। आप सिक्योरिटी इनोवेट करिए, अटैक करने वाले दूसरा खोज लेंगे, आपको तीसरा खोज, यानी एक डायनेमिक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रिक्वायर का होगी और उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसमें आगे आइए, डिफेंस के सेक्टर में आइए, मेरे रेल नेटवर्क में आइए। हम इंश्योरेंस को ओपन अप कर दिया है। हम चाहते हैं कि पेंशन फंड भारत में आए, इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भागीदार बने। आज 125 करोड़ का देश, जिसकी इकोनॉमी इतनी तेज गति से आगे बढ़ती हो, वो कितना बड़ा ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट चाहता होगा, वो एक अच्छा बायर बनना चाहता होगा, वो अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ को बदलाव लाना चाहता होगा, वो अच्छे एजुकेशन की ओर ध्यान देना चाहता होगा, रूरल नेटवर्क को अच्छा बनाना चाहता होगा,
हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पहली बार हमने फूड प्रोसेसिंग को 100% एफडीआई के लिए ओपन अप कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग ग्लोबल डिमांड है भारत के फूड प्रोडक्ट की, हम उसको और वैल्यू एडिशन करके दुनिया को देने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग मेरी आप सबके साथ हुई है और इतनी बड़ी मात्रा में एक प्रकार से हुज हु ऑफ सऊदी अरेबिया आज मेरे सामने है, मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिला है। भारत आपका पुराना साथी है, एक नए साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार है। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।